हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑल इंडिया जो फुल मॉक टेस्ट हुआ था उसके टेस्ट सेट 14 का जो है वो एनालिसिस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट 14 जो है, जो कि RSMSSB लाइब्रेरियन के लिए ग्रेड तृतीय के लिए जो है वो स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, उसकी श्रृंखला का जो है एक भाग है। ये टेस्ट हुआ था आपका 4 सितंबर को, 11 बजे से टाइमिंग था, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही अवगत करा दिया था कि आगे के जो टेस्ट होंगे उसमें केवल और केवल लाइब्रेरी के क्वेश्चंस हम डालेंगे, जीके के नहीं डालेंगे। लेकिन टेस्ट से जस्ट थोड़ा सा पहले पता नहीं मुझे क्यों रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फुल मॉक है तो इसमें जीके के क्वेश्चन जाना चाहिए। तो जीके के क्वेश्चंस को जो है वो अरेंज करने में और उनको करने में थोड़ा सा समय जो है हमारे तरफ से लग गया, जिसके लिए हमने जो है 11:04 पे पेपर को असाइन किया था। इस वजह से 11:10 का टाइमिंग जो है वो पेपर के लिए रखा गया था। तो 11:10 से लेकर के 2:10 का जो है वो टाइमिंग इस पेपर के लिए दिया गया था आप लोगों को करने के लिए। हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमारे जो टेस्ट का शेड्यूल है या टेस्ट में इन्वॉल्व लोग हैं या टेस्ट की ग्रेडिंग वगैरह क्या रही। तो वन बाय वन हम चलते हैं। जो टेस्ट का एवरेज स्कोर रहा 300 में से 161.36 जो है वो एवरेज स्कोर रहा। और पीयर्ड स्टूडेंट की बात करूं मैं अगर, तो 7,312 स्टूडेंट में से 298 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया है। अगर एवरेज ग्रेड की बात करें हम लोग, तो एवरेज ग्रेड बी है। और अगर एवरेज टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स है। मुझे नहीं पता इतना कम समय में कैसे आप लोग जो है सारे टेस्ट को कर लेते हैं। पता नहीं सोचते हैं या नहीं किसी क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए, आंसर्स के लिए, क्योंकि एवरेज टाइम 45 मिनट्स आ रहा है जबकि हमने अपनी तरफ से 2.5 घंटे का टाइम दे रखा है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसको विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के भीतर ही करके निपटा दे रहे हैं, इसी वजह से ये एवरेज टाइम आ रहा है। तो ये जो है एक क्विक जो है वो हमारा जो है रिकॉल था उस टेस्ट पेपर के लिए। अगर मैं बात करूँ ग्रेड ए की, देखिए ग्रेड ए ये लोग हैं, ये ग्रेड बी हैं, इतने ग्रेड सी पाए हुए हैं, ये डी हैं, ये ई हैं, और देखिए इस बार एफ वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ग्रेड एफ जो है उनकी संख्या इस पेपर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं रैंकिंग क्या रही है, क्योंकि मैंने इस बार रैंकिंग म्यूट कर दिया था। अब आप लोगों के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग बातों पे जो है वो अग्री करते हैं। मैं जब रैंकिंग को म्यूट कर देती हूँ तो आप लोगों के कॉल आने लगते हैं कि मैम हमें रैंकिंग पता ही नहीं चली। जब रैंकिंग को ओपन रखती हूँ तो भी कॉल आ जाते हैं कि मैम हाथ के हाथ ही जो है वो समझ नहीं आता, एक साथ होता है तो सही रहता है, सबके बीच में पता चलता है। तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो इस हिसाब से पहले जो है वो रैंकिंग दी जा रही थी, अभी इस बार मैंने सब कुछ म्यूट कर दिया था। तो अभी मैं आपको अनाउंस करके बता देती हूँ, बाकी एप्लीकेशन है बना हुआ है तो जिस तरीके से बना हुआ है हम उसी तरीके से चल सकते हैं। एट अ टाइम हम अपने हिसाब से तुरंत के तुरंत जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है उसको प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। वो आपको पता है कि जो है वो बनाया गया है, इनबिल्ट है, जो उसमें प्रोग्रामिंग जो इनबिल्ट है उसके अनुसार ही हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। फर्स्ट रैंक की बात करूँ तो फर्स्ट रैंक जो है वो गुड्डी डोगीवाल जी हैं। लास्ट पेपर में भी जो है इनकी फर्स्ट रैंक आई थी, 297-98 जाने कितने नंबर थे, शायद ऐसे ही कुछ थे। सेकेंड रैंक जो है वो मदन चौधरी की है और थर्ड रैंक गोपाल डोगीवाल की है। लास्ट पेपर में भी गोपाल डोगीवाल नाम से जो है मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ रैंक पे थे। तो मुझे नहीं पता ये गुड्डी और गोपाल का क्या हिसाब किताब है, एक ही नंबर से ये दो आईडीज हैं या ये दो अलग अलग लोग हैं, क्योंकि लास्ट पेपर में ही इनके नाम जो है वो उजागर हुए हैं। इसके पहले ये कहीं पर भी टॉप 50 में भी जो है वो नहीं दिखे हुए थे। तो आई डोंट नो, चलिए ठीक है। फर्स्ट रैंक गुड्डी, सेकेंड मदन, थर्ड गोपाल। अब हम वन बाय वन जो है वो बढ़ते हैं रैंक के हिसाब से। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम है, ये नंबर है, ये ग्रेड है और ये रैंक है। फोर्थ है सुरेश गुजर, फिफ्थ है नीलम त्रिवेदी, सिक्स कान सिंह, पुखराज सिंह सेवन पे हैं, आठवां मैजिक ऑफ मेकर, नवा दीपक, 10 दयाराम, 11 रसपाल कौर, 12 जितेंद्र कुमावत, 13 प्रियंका, 14 रवि रत्नू। आई एम सो हैप्पी रवि, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी ये रैंक जो है वो बहुत अच्छी आई है। मैंने आपका OMR भी जो है वो खोल करके देखा था, सॉल्यूशन वाइज यू आर गुड, आगे ऐसे ही करते रहिए आप अच्छे से। लोकेश 15 नंबर पे हैं, बजरंग बिश्नोई 16 पे हैं,
चिरिपाल जो है 17 पे है, रमेश 18 पे है, मनीष 19 पे, अक्षय 20 पे, प्रतिभा 21 पे, सतराम 22 पे, जय नारायण 23 पे, सुशील विश्नोई 24 पे, विजेंद्र सिंह 25 पे, सुमन 26, सुरेश कुमार 27, हेमेंद्र 28, कौशल मीणा 29, हर्ष पूर्बिया 30, मनोज कुमार 31, कार्तिक 24 32, ओके, रजत कुशवाहा 33। रजत, आपकी थोड़ी सी रैंकिंग को थोड़ा आपको सुधारने की ज़रूरत है, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन इस पेपर में सडनली आप डाउनफॉल बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए, तो वो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुरेश कुमार 34, फ्रेशर स्टूडेंट 35, मुकेश 36, विक्रम सिंह 37, नौरंगी विश्नोई 38। नौरंगी, आपका पेपर अच्छा किया आपने, मैंने आपकी मार्कशीट भी देखा था, बढ़िया किया है, गुड अटेम्प्ट। सुमन 39, पूजा मीणा 40, अशोक चौधरी 41, राजू 42, सवाई राम 43, प्रेम डांगी 44, मधुमित्रा 45, महेंद्र 46, दिनेश 47, दाऊद 48। दाऊद आपने भी अच्छा किया, मैंने आपकी भी OMR को देखा था। दीपक मेघवाल 49, पूनम चौधरी 50, राकेश 51, दिनेश गुदारा 52, उषा मीणा 53, समोद 54, रचना चौधरी 55, शैलेश 56, नीरज शर्मा 57, मंजू 58, शांति शर्मा 59, बजरंग लाल मीणा 60, प्रकाश 61, विनोद बेनीवाल 62, नरेंद्र चौधरी 63, राजेश 64, मुकेश कुमार सैनी 65, स्नेहलता 66, राजे रंजना वैष्णव 67, कमलेश कुमार मीणा 68, सुरेंद्र 69, क्षमता दाधी 70, भूवी 71, गीतेश 72, विनोद 73, पूजा 74, सुमन चौधरी 75, देव 76, सुरेश कुमार 77, गुरु टाक 78, मयूर 79, हर्ष भादु 80, विजय 81, आशापुरी 82। हर्ष, आपके परफॉर्मेंस से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं, क्योंकि आपकी जो पहले हम लोग जो टेस्ट लिया करते थे, आप टॉप 10 के जो है वो स्कोरर हुआ करते थे, आज आपको 80 नंबर पे देख रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा सा जो है और प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए, नरेश कुमार 83, मोहन 84, कमलेश 85, शिवानी विश्नोई 86, लोकेश 87, विजय सिंह 88, कमलेश भास्कर 89, सिया राम 90, ईश्वर प्रताप 91, हितवी 92, और ये किसी का नंबर है 9649524282 93। आप इसको चेंज कीजिए, जिनका भी नंबर है यहाँ पे अपना नाम डालिए। जितेंद्र सिंह 94, कृष्णा 95, रेखा 96, किरोड़ी लाल मीणा 97, करण सिंह 98, विनोद कुमार शर्मा 99, सुनील चौधरी 100, रामदयाल कीर 101, मोतीलाल रोट 102, रॉकी 103, सुरेश डांगी 104, के चौधरी 105, शीतल कुमारी 106, प्रभा चौधरी 107, गणेश 108, चंद्र प्रकाश 109, अमित 110, सुनीत पाराशर 111, मुकेश चौधरी 112, जयश्री श्याम 113, राकेश शर्मा 114, पवन सिंह 115, मंजू कुमारी 116, हरि सिंह 117, दीपक कछवाहा 118, देवेंद्र यादव 119, अनुराधा दवे 120, ज्योति व्यास 121, जोगाराम 122, निर्मला यादव 123, नारंग पटेल 124, कुसुम 125, पंकज 126, नरेंद्र 127, आकांक्षा 128, अशोक 129, युवराज 130, कमलेश 131, सुनील 132, मोहन 133, आनंद कुमार 134, गोमती 135, केशव 136, श्रवण विश्नोई 137, अजय जोशी 138, देव 139, मनोज 140, दीपेश 141, रवि सैनी 142, मुकेश चौधरी 143, कैलाश 144, सुरेश पाल 145, वीरेंद्र सिंह 146, नरेन 147, प्रकाश 148, हरिमोहन सैनी 149, कमल 150, रमेश 151, मयंक दवे 152, कनिष्क 153, रिंकू 154, भूपेंद्र चौहान 155, शाश्वत 156, मुरारी लाल 157, हरीश चंद्र गोयल 158, गिरराज 159, पवन मूंद 160, टीकम 161, रमेश यादव 162, धर्मेश गोयल 163, कुमार सुनील 164, गगन 165,
अमित 166, नीरज इंदौलिया 167, राजबाला 168, मुकेश मीणा 169, सहदेव 170, अनु 171, दिनेश कुमार मेघवाल 172, भंवरलाल सैनी 173, एकता 174, रामनिवास 175, अनीता शर्मा 176, लोकेंद्र सिंह 177, कुलदीप पोषवाल 178, दीपक लोहरा 179, शोभा 180, एस के चौधरी 181, सुनीता गोस्वामी 182, अलका शर्मा 183, अजीत कुमार 184, मुकेश मेघवाल 185, सुमन 186, हीना 187, शिवशंकर 188, मुकेश चौधरी 189, मनीष 190, निशा 191, राजू राम 192, प्रमोद गोरा 193, मोहन देवासी 194, मनोज कुमार मीणा 195, लालचंद 196, दिलखुश 197, ज्योत्सना 198, भावना 199, शाहरुख खान 200, सरोज चौधरी 201, पिंकी 202, प्रदीप 203, रमेश कुमार 204, देवराम 205, सुगना गुजर 206, मनोज सेन 207, संदीप कुमार 208, किरण 209, इंद्रा धायल 210, सुमन 211, गुंजन 212, पूजा झाला 213, मोनिका शर्मा 214, अंजलि चौधरी 215, अरुण 216, सिया 217, भैरू सिंह 218, राजेंद्र राठौड 219, प्रियंका जांगीड 220, जतिन 221, राजेंद्र स्वामी 222, कर्मा चौधरी 223, नीलम देवी 224, नानू 225, गौरव 226, पर्वत सिंह राव 227, अभिषेक चौधरी 228, निमिषा 229, रेखा 230, अक्की 231, सुप्रीता 232, आशा 233, अनीता 234, अनुराग सिंह 235, जितेंद्र सिंह राव 236, पिंकी 237, कुसुम 238, ज्ञान 239, मोनिका 240, सनी 241, रोहिताश्व 242, सरिता विश्नोई 243, सोनू 244, गीता कुमारी 245, महेंद्र कुमार 246, रामेश्वर 247, मनीष कुमार 248, कृष्ण मीणा 249, कविता 250, सुमित शर्मा 251, महेश 252, ऋषभ 253, मीनाक्षी 254, शिवानी 255, अरुण कुमार 256, विजयपाल 257, सुमन विश्नोई 258, रामकिशोर 259, मनीषा 260, अनु 261, जगदीश 262, जितेंद्र कुमार कुमावत 263, निशा 264, संतोष 265, पुष्पा 266, शुभम 267, राजकुमार 268, सीमा मीना 269, सूरज पटेल 270, सोनिया 271, कोमल शर्मा 272, हंसराज 273, अनिल कुमार मीणा 274, सरला 275, ओम प्रकाश पुनिया 276, राकेश 277, विश्वप्रिया शर्मा 278, हिमांशु शर्मा 279, ममता 280, महेंद्र जाट 281, विनोद 282, बालकरण 283, प्रेमलता गुप्ता 284, जीत 285, परीक्षित 286, ऋतु 287, सुनीता चौधरी 288, हिमांशु 289, रमेश 290, आसिफ 291, सपना 292, योगेंद्र यादव 293, सुमित 294, विद्या 295, किरण 296, सुमिता 297 और आशा राखला 298। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो पेपर हुआ है, इस पेपर में जो है माइनस मार्क्स गेन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है। एकमात्र केवल एक ही स्टूडेंट है, अदरवाइज तो दूसरे टेस्ट में जो है वो माइनस वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका एक तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए हैं उन स्टूडेंट्स की जो है वो रैंक की जो है वो एनालिसिस थी जो आप लोगों के सामने जो है मैंने कर दी। अब आप इसके अकॉर्डिंग बाकी और भी जितने भी टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अब तैयारी कीजिए। नेक्स्ट पेपर आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 9th को शेड्यूल है, आई थिंक 4th यूनिट का, तो आप लोग उसको कीजिए। और मैं एक बार और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी पे ही ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्केट में बहुत
अजीबोगरीब जो है वो समाचार या न्यूज़ जो है वो आपको भ्रमित करने वाले बहुत सारे न्यूज़ जो है वो फैले हुए हैं। पहला न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ पोस्ट को बढ़ाने को लेकर के है। तो पोस्ट को बढ़ाने को लेकर के दुनिया भर के ग्रुप्स में चल रहे हैं कि आप आंदोलन करो, हमारा साथ दो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उनको देखिए, लेकिन देखने के बाद जो है आप तब तक रिएक्ट मत कीजिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए। भाई पोस्ट को बढ़ाने के बाद हम आगे जो एग्ज़ाम की डेट है हमारी, हम 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, हम अपने आप को क्यों डिस्टर्ब होने दे रहे हैं। दूसरा, एक ताज़ा ताज़ा न्यूज़ और आ रही है कि RPSC ने जो है जितने भी इंटरव्यू अभी होने वाले थे, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो है वो इंटरव्यू के डेट्स जो है वो पहले से शेड्यूल थे, कोरोना COVID-19 के चक्कर में जो है उन्होंने सारे इंटरव्यू की डेट्स को रद्द कर दी हैं। तो अभी एक भ्रामक न्यूज़ और भी फैल रही है कि वो डेट्स रद्द हो गई हैं तो हमारे एग्ज़ाम भी रद्द हो जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके के ये जो न्यूज़ आ रहे हैं इन पर जो है बस आने दीजिए, इन पे आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। आप 19 तारीख को ही टारगेट करके रहिए, आप इधर उधर की चीज़ें ये सब आप 10 दिन के बाद जो है इन पे फोकस कर सकते हैं। 10 दिन के बाद आप आराम से इनको लेकर के सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो आपके पास 10 12 15 10 12 दिन ही है।